नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। नूह से बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री ने जिला जेल का उद्घाटन किया। गांव सलंबा में 68 करोड़ की लागत से ये जेल बनी है। जेल में अस्पताल है, लाइब्रेरी है, कैंटीन की सुविधा दी गई है। कैदियों के लिए 12 बैरक बनाए गए हैं और इन 12 बैरक में 846 कैदियों को रखने की जगह है। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने इसका निर्माण किया है, तो बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। मैं आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने इसका उद्घाटन किया है, तो जेल बन के तैयार हो चुका है। 68 करोड़ की लागत इस जेल में लगी है। नूह में सीएम मनोहर लाल ने जिला कारागार का उद्घाटन किया और कहा कि प्रदेश की जेलों में बंदियों के मानसिक, धार्मिक और सामाजिक विकास का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जेल सुधार गृह के तौर पर काम किया जा रहा है और बंदियों के सुधार की तरफ सरकार का पूरा फोकस है। हरियाणा की जेलों में आध्यात्मिक या फिर साधना केंद्र भी बनाए जाने का प्रावधान है, ताकि वो मन की शांति और तनाव को दूर करने के लिए ध्यान लगा सके। सीएम ने यह भी कहा कि जेलों में कैदियों की निरंतर काउंसलिंग प्रक्रिया की जा रही है और जेल से रिहा होने के बाद से पुलिस विभाग बाद में भी उनकी काउंसलिंग करेगा, ताकि उनमें आपराधिक प्रवृत्ति दोबारा से न आ पाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल अधीक्षकों को बाकी अधिकारियों की तर्ज पर सरकारी काम के लिए वाहन मुहैया कराए जाएंगे। जेल अधीक्षक और इससे उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों को वर्दी भत्ता दिया जाएगा। जेल विभाग में खाली पदों पर जल्द ही भर्तियां की जाएंगी और इस दौरान बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जेल है, जिला सुधार घर जिसको हम कह सकते हैं, इसका नए परिसर का और उद्घाटन ये हुआ है और यहाँ की सब व्यवस्थाएं मैंने देखी हैं कि जेलों में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि जो भी व्यक्ति कैदी बन के यहाँ आए उसको हर प्रकार की जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। आखिर वो भी समाज का एक नागरिक है, अपराधी हुआ, उसको एक सज़ा हुई, लेकिन सज़ा होने के बाद उसकी जो मौलिक आवश्यकताएँ हैं वो तो सबकी समान होती हैं, उनको मिलनी चाहिए। उनके परिवार के लोगों का जो मिलने जुलने का जो सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा बनाया गया है। अंदर मैंने देखा है तो उनके मनोरंजन के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं, घूमने फिरने के लिए पार्क आदि की व्यवस्थाएं, एक हॉस्पिटल भी बनाया है और उनके रोजगार के नाते से स्किलिंग का एक सेंटर है। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के जो सुविधाएँ हैं, कोई पढ़ाई करना चाहता तो उसको वो भी दी गई हैं, तो ऐसे सब प्रकार की सुविधाएं। मैंने सुझाव दिया है कि इसमें एक कोई आध्यात्मिक विकास के नाते से कोई एक विपसना सेंटर या एक साधना केंद्र ऐसा भी कोई रखना चाहिए, ताकि व्यक्ति कभी किसी अनजानेपन में किसी भी कारण से कोई गलती करके, अपराध करके कैदी बनता है तो उसको भी जीवन जीने का हर प्रकार का एक स्वस्थ आदमी कितना अधिकार जो होता है उसको भी होना चाहिए। तो आज इस प्रकार की सारी बातें की हैं। मुझे जब जानकारी मिली कि जो जेल विभाग के कर्मचारी हैं वो भी आखिर हमारे जैसे बाकी कर्मचारी होते हैं उनके हिसाब से उनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक जेल के परिसर में ज़्यादातर बंधे रहते हैं। ये कैदी भले नहीं होते लेकिन उनको भी उसी प्रकार का जीवन जीना पड़ता है। वैसे उनकी जैसे जेल वार्डर्स की कुछ प्रमोशन का विषय वो नहीं होता था, उसको 18 साल के बाद एक हमने नया पद के साथ उनको जोड़ा है। इनके पास जेल अधीक्षक हैं, उनके पास वाहन नहीं थे, उनको वाहन देने की बात हमने कही है। तो ऐसी कुछ सुविधाएं जो उनको आवश्यक थी वो हमने दी हैं।